नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी, स्वागत है आपका एग्जाम बाबा 247 चैनल पर। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की जैसे हम क्लासेस डाल रहे हैं, और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन और लगातार पूछा जाने वाला, सिर्फ एसएससी में नहीं, सीडीएस में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है, और सवाल बढ़िया है और आसान भी, आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चे वो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कौन सा है बेटा? ये वाला, ये जो उसने ऐसे ऐसे लाइन किया हुआ है, शेडेड पार्ट है। और ये क्या है बेटा? 14 14, तो ये बेटा साइड बराबर है, तो क्या हो गया? स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये डायग्राम बनता कैसे है, कि ये डायग्राम बेटा बनता कैसे है, ठीक है? ओहो, अगले सवाल पे चले गए हम। ये डायग्राम बेटा बनता कैसे है, चलिए डायग्राम के बारे में समझते हैं बेटा, कि ये डायग्राम आपका बनता कैसे है। जैसे बेटा मान लो मैंने एक स्क्वायर लिया, मैंने एक स्क्वायर लिया, कुछ भी साइड इसकी हो सकती है, कुछ भी। जैसे उसमें क्या दी हुई थी बेटा? 14 दी हुआ था, ये भी 14 और ये भी 14। अब बेटा वो क्या करता है, स्क्वायर के किन्हीं दो वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को सेंटर मानकर, जैसे बेटा इसका एक ये सेंटर ले लिया। अब जैसे बेटा यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पेंसिल और प्रकार में भरकर एक ऐसे बेटा क्वाड्रेंट, ऐसे वो बना देता है सेक्टर, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। जैसे बेटा ये वृत्त है, अगर आप ये इसका सेंटर है, तो बच्चे ये क्या हो गया? क्वार्टर सर्कल हो गया ना बेटा, ये क्वार्टर सर्कल। ये क्या हो गया बेटा? रेडियस। और ये भी क्या हो गया बेटा? रेडियस। तो बेटा ये क्या हो गया आपका? क्वार्टर सर्कल। तो बच्चे उसने इसे सेंटर माना, यहां से यहां तक की दूरी भरी, और ऐसे बेटा एक क्वार्टर सर्कल बन गया, सही है? और फिर इसके बेटा अपोजिट वर्टेक्स को सेंटर मानकर, अपोजिट वर्टेक्स को, और यहां से यहां तक की दूरी भरकर फिर एक क्वार्टर सर्कल बना देता है। मतलब इसे एक बार सेंटर माना और बेटा इसे सेंटर माना। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट बेटा आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट का आंसर बेटा आपसे पूछा जाता है। सवाल समझ में आ गया सबको? आंसर देने के बेटा दो तरीके हैं, आप चाहें तो बेटा 5 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं, 5 सेकंड से भी पहले आंसर दे सकते हैं। चलिए बेटा पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा 5 सेकंड में फटाफट आंसर कैसे दें। तो बच्चे आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप क्या कीजिए, इस शेडेड पार्ट का जो बेटा एरिया होगा, आप इसे फटाफट क्या कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से 5 सेकंड में मेरा ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, 4/7। और जो भी बेटा स्क्वायर की साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा। जो भी वर्ग की भुजा है उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। फिर सुन लीजिए बेटा, मैंने आपको सिंपल बताया 5 सेकंड में आंसर कैसे देंगे। ये रिजल्ट मैंने आपको, मैं बना के भी दिखाऊंगा ये रिजल्ट आपको, 4/7, 4/7। और बेटा जो भी उस वर्ग की भुजा हो, उसका स्क्वायर। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे तो बेटा 4/7, और वर्ग की भुजा कितनी है बेटा? 14। तो 14 का स्क्वायर, 14 × 14 कर लेंगे, 4 × 2 = 8, और 14 × 8, 14 × 8 बेटा 112। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो बेटा मीटर स्क्वायर, सही है? तो फिर सुन लीजिए बेटा फटाफट आंसर देने का तरीका, 4/7 जो भी वर्ग की भुजा वहां पे हो उसका स्क्वायर। अब ये रिजल्ट कैसे आया, इसके पीछे की कहानी है, थोड़ी लंबी लगेगी आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये जरूरी है, लेकिन नॉलेज के लिए ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज पैदा कैसे हुई, ठीक है बच्चे? चलिए बताते हैं। जैसे बेटा मैंने मान लिया बेटा इस शेडेड पार्ट का एरिया बेटा मैंने एक्स मान लिया, शेडेड पार्ट का एरिया बेटा मैंने कितना मान लिया? एक्स। ये जो बचा हुआ भाग है बेटा, इसका एरिया कितना मान लिया बेटा? वाई। और ये जो बेटा बचा हुआ एरिया भाग है बेटा, इसका भी कितना होगा? वाई। ये और ये बराबर होगा, ओके। सबसे बेटे बेटा क्वार्टर सर्कल, ये बताओ बेटा, ये जो सी बी और डी है, ये क्वार्टर सर्कल है। तो बच्चे अगर हम क्वार्टर सर्कल की बात करें, तो एक क्वार्टर सर्कल हो गया बेटा आपका ये वाला। अगर बच्चे मैं इसको ऐसे करूं, एक क्वार्टर सर्कल बेटा आपका ये हो गया, और क्वार्टर सर्कल मतलब बच्चे वृत्त का चौथा भाग। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया बेटा बैक कितना रहा है? एक्स प्लस वाई। तो ये बताओ बेटा यहां पर एक्स प्लस वाई बराबर 1/2
चार, 1/4 होगा क्योंकि बेटा क्वार्टर सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है। तो बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर, बेटा आर क्या है यहां पर, रेडियस तो बेटा 14 ही है क्योंकि बेटा यहां से यहां तक की रेडियस है, तभी ये क्वार्टर सर्कल खींचा। तो बेटा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब बेटा 14 का स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए, या आपको यहाँ पे 14 नहीं लेना है, साइड का स्क्वायर बेटा हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, तो आपको कुछ भी मानना है कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 14 से करना है 14 से कर लीजिए। हम यहाँ पे साइड मान लेते हैं बेटा कितनी, यहाँ पर मान लीजिए ए मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड कितनी मान ली बेटा, ए स्क्वायर हो गया बेटा पाई। इसी तरह बेटा यहां पर इधर से भी बेटा कितना आएगा, एक्स प्लस वाई। अभी बताओ बेटा पूरे वर्क का क्षेत्रफल, ये एक स्टेटमेंट हो गया बच्चे। यहां पर बेटा मैंने 14 की जगह कितना मान लिया है, ए, ए की जगह कुछ भी हो सकता है। अभी बेटा अगर पूरे वर्ग की बात करें, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना बैठ रहा है बेटा, वाई प्लस एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस टू वाई बराबर, वर्ग की साइड कितनी है बेटा ए, ये हो गया बेटा आपका ए स्क्वायर। ये बेटा आपके सामने दो स्टेटमेंट आ गए, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे इक्वेशन बेटा वन बोल दिया, इसे इक्वेशन बेटा टू बोल दिया। बेटा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की। अब ये बताओ बेटा अगर मैं इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर दूं, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर दूं, तो एक्स एक्स कट जाएगा, टू वाई में से वाई जाएगा, तो बेटा किसका वैल्यू आ जाएगा बेटा, वाई का वैल्यू आ जाएगा। और बेटा ए स्क्वायर में से क्या माइनस होने वाला है, पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर, पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये बेटा किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये वाई की, लेकिन बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, अब बच्चे अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को यहां पर ले आए, एक्स बराबर वाई को उधर ले जाऊंगा बेटा, देखो वाई उधर चला जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वाई, और वाई का वैल्यू क्या है बेटा ये, तो बेटा ये माइनस का ए स्क्वायर और बेटा माइनस माइनस प्लस, बस जोड़ लीजिए अब। तो बेटा ये हो गया आपका x का वैल्यू, पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर, पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर, टू पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस का ए स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सोल्व करना चाहते हैं, सोल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, और यहां पे क्या बचा बेटा आपका, पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू का मतलब बेटा 22/7, और दो तो पहले से है ही, माइनस का वन, ये बेटा कितना कट गया 11। थोड़ा सा यहां पे दिख नहीं रहा क्या, चलो थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं बेटा। यहां से बेटा अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और पाई बटे दो बचेगा, पाई बटे दो का मतलब 22/7, और 22/7 नीचे बेटा दो है, तो बेटा ये 22/14 हो जाएगा, और बेटा माइनस का वन, बस हो गया काम, वैल्यू ए स्क्वायर 22/11, और ये बेटा कितना हो गया 7, एलसीएम लूंगा 7, 11 माइनस 7 4, तो बेटा यहां से आपका x का वैल्यू आ गया बेटा ए स्क्वायर इंटू 4/7। तो रिजल्ट कैसे बना आपके सामने है, जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया, और ये डायरेक्ट आपको याद रखना है बेटे 4/7 जो भी स्क्वायर की साइड है उसका कर दिए स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एग्जाम के लिए आप इसे याद रखेंगे, पीछे का बैकग्राउंड भी समझा दिया है। ओके चलिए, क्लास आपको ये अच्छी लगी होगी उम्मीद है, अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, और आपके पास कोई अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।